गुड मॉर्निंग गाइस, मैं मम्मी को छोड़ के आया हूँ और देखिए यहाँ पे कितनी लैंडस्लाइड हुई है। बहुत ही बुरा हाल है और मैं आज बाइक पे लेके आया मम्मी को क्योंकि बहुत लैंडस्लाइड हुई है यहाँ पे और बारिश से अभी धूप निकली है, आज बारिश बंद हुई है। तो ये देखिए यहाँ पे लोग कितनी तेज़ी से जा रहे हैं, इतना तेज़ नहीं चलना चाहिए क्योंकि कीचड़ में किसी भी टाइम टायर स्किड कर सकता है और बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हुई है। तो अभी देखिए यहाँ पे कितना सारा मलबा गिरा हुआ है और गाड़ी तो यहाँ से बिल्कुल भी नहीं क्रॉस हो पाएगी क्योंकि इससे आगे भी काफ़ी जगह मैंने आपको कई जगह आपको दिखाई, यहाँ पे रास्ते बिल्कुल बंद है और अभी पानी देखिए किस तरह से अभी भी बह रहा है। तो आज मौसम ठीक हो गया लेकिन आज पता चल गया कि कितना नुकसान हुआ है हिमाचल में। इस जो ये लास्ट बारिश थी बरसात की, इसने बहुत ज़्यादा नुकसान किया हिमाचल में भी, पंजाब में भी, काफ़ी जगहों पे जो हिमाचल का सारा पानी था पहाड़ी इलाकों का वो सारा प्लेन एरिया में गया, तो वहाँ पे भी काफ़ी नुकसान हुआ होगा। सो मैं फ्री हूँ, अपना स्टोर रूम जो है ये पूरा खाली कर दिया, थोड़ा बहुत सामान यहाँ पे है और प्रिया दीदी और प्रीति दोनों गए हैं। लाइव आपको दिखाता हूँ कुछ कपड़े जो ऐसे होते हैं जो हम खुद खरीदते हैं, उसमें शीने पर बहुत अच्छे लगते हैं, तो आप लोग उनमें कंफ्यूज हो जाते हो कि वो भेजते हैं। आप इसकी क्वालिटी ऊपर जाके 360 कर दीजिए। आंटी किधर है? आंटी किधर है? तो आज हमारे घर में साहिल आया था और मेरे साथ काम करवाता रहा, तो उसको मैंने स्टीम बोर्ड दे दिया, वो बहुत खुश हो रहा उसको देख के, और उसने मेरे सर में नवरत्न का तेल लगा करके मसाज की, तो वो तेल लगा रहा था मेरे माथे पे भी लगा दिया और माथे पे जलन होने लगी। मैंने उसी टाइम अपना सर धोया और अभी मैं अपना सारा काम सामान शिफ्ट करके फ्री हुआ हूँ और इस रूम को थोड़ा सा हल्का फुल्का सा ये यहाँ पे तरेड़ आई है, इसमें फिलिंग करवा के पीओपी की और इसमें थोड़ा सा कलर करवा के ये रूम अपना तैयार कर दूंगा मैं जल्दी ही। और अभी प्रिया दीदी प्रीति गए हैं लाइव, आप देख रहे होंगे लाइव, तो जिस जिसने उनका लाइव नहीं देखा तो उनका लाइव जरूर देखिएगा, प्रीति के चैनल पे वो लाइव गए हैं और मम्मी कर रहे हैं थोड़ी सी रेस्ट। तो आज मौसम साफ था पूरा दिन और हमारे गांव में जो सुरंग वाला रास्ता था टनल का, वहां पे भी काफी सारे पहाड़ गिरे हुए थे और वहां पे आज मशीन रात को अभी थोड़ी देर पहले ही गई, 7:30-8 बजे तक मशीन वहां पे लगी रही, तो काफी देर तक वो वहां पे मलबा जो है मिट्टी उसको साफ करती रही। प्रीति आप बहुत काम करते हो, अपनी सेहत पर ध्यान दो। अभी मैंने इसलिए काम करने इस वीडियो को जरूर देखना क्या हुआ जब तीनों यूट्यूबर गए लाइव। ये कहते इतनी सी खुशी, मैं इंडिया आऊंगी तो आपके घर जरूर आऊंगी। प्रीति कहती ना मैं लाइव नहीं जाऊंगी, मैं गाने सुनाता हूँ। क्या पता लड़का, क्या पता कब कब ये लड़के यूएस बुला लो, सानो यूएस बुला लो, मैं तो नहीं जाना है, असि आ जाना मेरे लिए प्रीति ने, मैं तो दीपो इथे कल्ला रहूंगा, मम्मी ने जाना नहीं, मम्मी ने मेरे को बोला उसका मुंह आ रहा है बीच में, उसको पूरा तो लो। हां अरे दीपो, अरे क्या प्रियंका क्यूट है, हेलो को दीपो तेरे मुंह पर डाल दिया, थैंक यू क्यूट क्या, नहीं तो कुछ तो मुझे बुड्ढी बोलते हैं और कुछ मुझे एटीट्यूड वाली बोलते हैं, कितने झूठ बोलती है, कहीं जाना खाने को चाहिए, खाने को चाहिए इसको, बैटरी लो
कोई बात नहीं, और मत कर देना, हम ना पक्का लाइव आएंगे। अगर आपने इस लाइव को हमारे प्यार दिया ना, देन श्योरली हम हर बहुत जल्दी लाइव आएंगे। मेरे चैनल किसके चैनल है? रिपू चंद। हम लाइव आएंगे हाँ, और हम टॉपिक डिसाइड करेंगे बहुत ही अच्छा वाला, तो उस पर हम लाइव आएंगे। रिपू क्या ऐसे देख रहा है? कुछ बोल रहा है? कुकिंग, मैं अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अच्छा, अपना ब्लॉग रिकॉर्ड हो रहा है उधर। एक एक पंच दो काज हो रहे हैं। मैंने लाइक कर दिया है। ओके यस्मीन, थैंक यू। ए उठ जा, उठ जा, अरे बहुत आ रहा होगा विद फैमिली। उठ पेड़े, उठ जा पेड़े, उठ जा। तू तू खुद बना, तू पेड़े रोटी बनाएगा आज? कौन तू? मैं पता कितना काम की चला गया। मैं नहाना हूं आज। आज ये दोनों सो रहे थे महाराजे दोनों, और मैंने सारे झाड़ू लगाए, पोछे लगाए, कपड़े धुले, हाँ तीन काम किए। उसके बाद मैंने कितना काम किया? तो तू तू तो ये अपना ही काम कर रहा है ना। कौन तू? तो अच्छा, हमें रेस्ट मिल रही है। मैं हूँ गुजरात, मेरे साथ आ जाओ। गुजराती आप 690 वॉच कर रहे हैं, 690 एटलीस्ट लाइक कर दो। एंड अभी हम आपके जो क्वेश्चन है वो रीड करेंगे। दीप, अभी आप लोग हमें क्वेश्चन करोगे, कौन सा आपके कमेंट का कौन सा वीडियो बना ले, हॉल वीडियो कपड़ों का। तो डी फैमिली ने देख के अपनी फैमिली, यार फैमिली होती ही चीज ऐसी है। मैंने आंटी को दीदी, मैंने भारत जीजू के बोले देखा था आज, मैंने बात करनी थी उनसे, तो ऑलराउंडर आप कर लेते बात मम्मी से। मम्मी की तरह मम्मी अभी मैं जस्ट नहा के आया हूँ, और किसी सब्सक्राइबर का कमेंट आया था कि आप नहाते नहीं हो। मैंने कहा आप नहाते हो थोड़ी सिखा सकता हूँ ना जी तो मैं अभी बोल रहा हूँ वीडियो में कि मैं अभी नहा के आया हूँ, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि मैं नहाता भी हूँ। और आप क्या कर रहे हो दीदी? मैं कमेंट रिप्लाई कर रही हूं। और प्रीति बना रही है मेरी फेवरेट डिश, यस। आप लोग बोलते होंगे कि हम रात को खाते हैं, लेकिन हमें रात को ही अच्छे लगते हैं, और हमें रात को टाइम होता है। कहाँ से पढ़ी हमें? मम्मी, रात को क्योंकि मम्मी पहले ऑफिस जाते थे सुबह सुबह, तो उनके पास इतना टाइम होता था। पहले मम्मी जाते थे ऑफिस, हम कॉलेज जाते थे। तू कॉलेज जाती थी? स्कूल जाती थी ना? स्कूल तो कम जाते थे। क्यों दीदी सिर पे नीचे जाना दीदी? ज्यादा लौट मंडी आप ही कह देना दीदी, है ना बहन जी? बहन जी, बहन जी कंपल देख लो बहन जी। और पता है जब भी हमारे घर पर आते हैं, पहले लड़ाई क्या होती है कि पहले कौन खाएगा, पहले कौन खाएगा। मैंने आटा गूंद दिया और आलू मम्मी ने वाले थे, आलू मम्मी ने वाले थे, प्रीति बनाएगी पराठे और खाऊंगा मैं, क्योंकि मैंने कोई काम नहीं किया। इन तीनों की लड़ाई होगी, पहले मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगी, मैं खाऊंगी, और सबसे फायदा ज्यादा फायदा मुझे रहेगा, क्योंकि मैंने काम तो किया नहीं, पराठे बनाने में इनकी हेल्प नहीं किया ना। नहीं नहीं, आज जब आप लाइव गए तो क्या हुआ था? तुमको अगर लग रहा है कि तुमने कुछ तो तुम बना दो फिर। नहीं तुम दिखा दो बनाएगा गैस, अभी नहीं बनाएगा ना वो, अभी बनाएगा नहीं गैस पे। मेरे साथ जब रिक्वेस्ट आएगी सभी की फिर बनाऊंगा। फिर तो तू बनाते बनाते आलू खा रही है। और आप जब लाइव गए थे तो क्या हुआ था? कुछ लोग बोल रहे थे एटीट्यूड है ना। हाँ गुड्डी नहीं है, मतलब उन्होंने बोला होगा गुड्डी, बोला होगा बी लिख दिया होगा गुड्डी की जगह। गुड्डी बुड्डी है, सिर में लगेगा उठते है ना। देखो मेरे बाल गिनते ना, सिरम लगाना था कहाँ पे रख दिया। मैंने मुझे पसंद ही है, और जो मैंने पहले पहनती थी ना वो घर में पहनता हूँ, क्योंकि उसमें पसीना नहीं पड़ता ज्यादा, फैटिंग नहीं होती। बर्थडे पसंद आ गई ओ केड़ा रहना ओके। तो जब भी कभी आलू के पराठे बनाने हो तो उसमें धनिया पाउडर जरूर डालें, क्योंकि कई बार क्या होता है धनिया पाउडर जरूर डालें, लेकिन दीपू नहीं डालेगा। मैं डाल दिया। नहीं पराठे तू बना। मैं नहीं बनाने पराठे, और धनिया पाउडर इसलिए डालते हैं बना लो, क्योंकि इसमें आलू में पानी होता है ना, तीनों बनाना चाहते हैं। जब आलू में पानी होता है तो वो पानी धनिया पाउडर जो उसको सोख लेता है, और फिर पराठे जो है वो टूटते नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ प्रिया जी किस तरह के पराठे बनाते हैं, शायद मुझसे बेटर तो बना ही नहीं सकते। बना दिए मेरे जैसे, और हंगाओ इसको, और हंगाओ, और हंगाओ, टूटने तक ले जाओ इसको, टूटने तक। यस, तवा गर्म हो गया, हाथ ना रख दो ऊपर, हो गया। चलो मतलब
शाबाश शाबाश शाबाश, ये अलग क्यों निकाला है, इसमें स्पाइसेस नहीं ना। चलो तो बना रही मैं, मैंने बनाना है, मैं बना रही हूँ। और लड़ो ना, मैं बनाना है। मैं बना रही हूँ। अरे मैं बना देती हूँ दो परांठे। और लड़ो ना, मैं बनाना है। मैं बना रही हूँ ना, फिर मैं ऐसे फायदा किया आप लोग, आप छोड़ो मैं ही बनाती हूँ। और लो एक और आ गए। छोड़ो आप, आप बनाओगे एक ऊपर खाने के लिए। ऐसे करके तीनों और रहने दो, तीनों लाइन में खड़े हो, तीनों लाइन में तीनों तीनों रहने दो। दीपू बनाएगा, इसमें अजवाइन ज्यादा डालो। क्यों क्यों मम्मी? क्योंकि हमारे जैसे बूढ़ों को अच्छी होती है। आप बूढ़े हो? नहीं बूढ़ी तो मैं हूँ। यहाँ देखने, तीनों तीनों यहाँ देखना। पहले हम बेलन दे दो। मैं सारे बनाने भाई मेरे, मैं बना, मैंने बनाने रोटी खा ले, थोड़ी बनाने बनाने देना। मम्मी बोल रहे मैं बनानी, मैं बनानी, सारे रोटी खा ले मम्मी। फिर तेरा मन ना बनाने का, बनाओ फिर। खा लो, हम हार गए। ओ है, बना दे प्रिया, प्रीति ने पराठा। मेरे को करना तो बनता है। पहले ठंडा तो होने दो, लेना। मैंने नहीं उतार के तो उसी ने दिया था वैसे। तो मतलब जिसने उतार के दिया वो, जिसकी लाठी उसकी भैंस। वैसे गाइस, गाइस नहीं, वैसे सब लोग मेरे जितने भी फ्रेंड्स देख रहे हैं, दीपू के फ्रेंड्स, ये हम सब मजाक कर रहे हैं, हम ऐसी नोक जोक करते रहते हैं ना। प्रीति बोलो, प्रीति। प्रीति ने नहीं बोला तो क्या, लोग सच समझ नहीं कि सच में लड़ाई हुई। ले पहले प्रीति के मुंह में डाल देना, डाल दो। बनाते बनाते हम देखने देखने ये बाहर नहीं निकाली गंदगी ये। अरे मम्मी कैसा बना पराठा? क्यों भी खाया नहीं? ये देखो एक परांठे के बीच में लोग पड़ गए, ले तू भी ले ले। दे दो मैंने भी। प्रीति को इतना स्वाद है परांठा, है मम्मी? ये बटर कहाँ से लिया? मम्मी ने बनाया। खत्म हो गया भी सारा, मैंने खत्म कर दिया। हाँ हमारा सारा, सारे घर का राशन खत्म कर दिया। जमने बाद मक्खन निकल जाएगा। अंदर है, चूर के रोटी खाने में मजा आता है ना। ये है गांव की लाइफ, देखो कितना मजा है ना। कभी भी कुछ भी करो, कानपुर जाके रियलाइज हुई। पहले ऐसे लगता था हम गाँव में है, कुछ नहीं है। हमें बिना घी के खाना था। हाँ ठीक है, हल्का लगा। और यहाँ पे नहीं होता कि यहाँ पे स्पेशल खाना बनाना, कुछ भी अगर खाना ना भी, सब्जी ना भी हो, तब भी हम लोग सब भी मैनेज कर लेते। सुबह उठ के चाय के साथ, मक्खन के साथ, नमक के साथ खाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। दही, दही नहीं खाना मम्मी, दही खाया मेरा सुबह गला खराब हो गया। मैं मम्मी की यहाँ पे केयर कर रही हूँ। मम्मी ना, मम्मी ने करेले खाए, मम्मी का बीपी हाई रहता है, तो करेले से बीपी और बढ़ता है। थोड़ा सा खाना चाहिए, बायवादी नहीं होती इससे। अच्छा मम्मी करेले भी खाते हैं, रात को काली मिर्च भी खाते हैं, तो बीपी बढ़ेगा ही ना। कुछ नहीं होता, मरना है तो मरना ही है, ऐसे कुछ नहीं होता। जब मरना है तो कुछ खा के मरो। अच्छा करेले खाओ, लेकिन थोड़े खाओ मम्मी, काशी जमा दे ना मलाई। हाँ इन मक्खन कर देना, गुलीन के दिन पा रहे हैं, दिक्कत चमचा चमचा खा ले करे। प्रीति बना रही रोटी, इन टाइम रोटी मुनी अंदर के दिया बा। चल मैं बना ना, बना ना क्या ना। नहीं नहीं मैं बना रही हूँ, भात के ही ले जाता पम खाने ना। मैं खा के फिर मैं बना दी। कौन सी खाओ? ये मैं क्या, भात पम के ही ले जाता किलो पे। वो खाते नहीं, वो खाते नहीं है, वो नहीं खाते। एक सिर्फ फुलका चोपड़ के खाओ अपने के ना। और फुलके यूं नहीं, रोटी और फोर खानी। वो रोटी खाएंगी नहीं घर में ना, वो घी उनको नजर आ जाए। प्रीति तू मैंने खिला दे, बाद मैं बना दी, तू उसी खाओ। तू के डाल के ना मक्खन खा, बहुत अच्छा है। पर सब चीजों में फैट है, फैट 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 शिमला में। शाम को हम दोनों
ਤਾਂ ਹੀ ਮੱਖਣ ਮੰਗੋ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਆ ਕੋਲੇ ਖਾਦੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਬੰਦ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰੀ ਵਾਰ ਖਾਦੇ ਹੋਣੇ ਤੇਰੇ ਵਾਰ ਫੇਰ ਥੋੜਾ ਬਦੂ ਦਾ ਪੀ ਲਿਆ ਜਬ ਰਿੱਧੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੀ ਰਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਟੀਟੂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਦਿਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਲੜੀਆਂ ਬਈ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ ਤੋ ਹੀ ਬਾਤੇ ਕੁਛ ਬਾਤੇ ਫਿਰ ਕਭੀ ਕੇ ਲਈ ਵੀ ਰੱਖ ਲੇਤੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਬਾਤੇ ਅਗਰ ਆਜ ਹੀ ਕਰ ਲੀ ਤੋ ਆਗੇ ਕੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ ਔਰ ਅਭੀ ਕੀ ਵੀਡੀਓ ਕੋ ਯਹੀਂ ਪੇ ਐਂਡ ਕਰਤੇ ਹੈ ਤੋ ਅਗਰ ਆਪਕੋ ਯੇ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤੋ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਕੋ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਕੋ ਲਾਈਕ ਕਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇ ਔਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਬਤਾਈਏਗਾ ਕਿ ਆਪਕੋ ਹਮਾਰੀ ਨੋਕ ਜੋਕ ਔਰ ਯੇ ਲੜਾਈ ਯੂਟਿਊਬਰਸ ਕੀ ਕੈਸੀ ਲਗੀ ਔਰ ਪੀਪੀਡੀ ਕੀ ਮੰਮੀ ਖਾਣੇ ਕੇ ਪੀਛੇ ਹੋ ਗਈ ਲੜਾਈ ਪੀਪੀਡੀ ਕੀ ਮੰਮੀ ਰੋਜ਼ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣੇ ਕੇ ਲਈ ਡਲਤੇ ਔਰ ਯਹਾਂ ਪੇ ਹਮ ਲੜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਮੁਝੇ ਬਣਾ ਔਰ ਅਗਰ ਆਪ ਲੋਗ ਚਾਹਤੇ ਹੋ ਕਿ ਹਮ ਮੰਮੀ ਕਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਏ ਉਸਕਾ ਨਾਮ ਰੱਖੇਂਗੇ ਮੰਮੀ ਆਫ ਪੀਪੀਡੀ ਹੈ ਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਬਿਰਦੀ ਕਿ ਜਰੂਰ ਹੈ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨਾਮ ਰੱਖੇਂ ਮੰਮੀ ਕਾ ਮੰਮੀ ਆਫ ਪੀਪੀਡੀ ਐ ਤੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਆ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਛਾ ਮੰਮੀ ਕਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੇ ਨਾਮ ਮੰਮੀ ਆਫ ਪੀਪੀਡੀ ਮੰਮੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਤੇ ਹੈ ਵਹੀ ਬੋਲ ਰਹਾ ਹਾਂ ਨਾ ਉਸਕੇ ਉਸਕੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖੇਂਗੇ ਨਾਮ ਔਰ ਯਾਰ ਉਹ ਸੂਟਸ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਦੀਪੂ ਕੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਔਰ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਭੇਜੋ ਤੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਦੇ ਔਰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੇ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ਾਟ ਭੇਜਣਾ ਉਸ ਪੇ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਤੋ ਆਪ ਲੋਗ ਬਤਾਈਏਗਾ ਕਿ ਕੌਨ ਸਾ ਸੂਟ ਆਪਕੋ ਚਾਹੀਏ ਉਸ ਸੂਟ ਕਾ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ਾਟ ਭੇਜ ਦੀਜੀਏਗਾ ਤੋ ਹਮੇ ਪਤਾ ਚਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਆਪਕੋ ਕੌਨ ਸਾ ਸੂਟ ਚਾਹੀਏ ਔਰ ਆਪ ਹਮ ਆਪਕੋ ਵੋ ਸੂਟ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈ ਉਸ ਸੂਟ ਕਾ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ਾਟ ਭੇਜ ਦੀਜੀਏ ਨਾ ਇਹ ਨਾ 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 ਬਾਏ ਬਾਏ ਮੈਂ ਬਾਏ ਬਾਏ ਕਰ ਦੋ ਅਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੀ ਮੰਮੀ ਕੈਸੇ ਰੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀਡੀਓ ਮਤ ਕਾਟੋ ਮੰਮੀ ਦੀਪੂ ਕੈਸੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਇਸਕੀ ਜ਼ਰਾ ਵੋ ਬਤਾਨਾ ਬੋਲ ਕੇ ਮਿਮਿਕਰੀ ਕਰੋ ਹਾਈ ਗਾਇਸ ਕੈਸੇ ਕਰਤਾ ਹੈ ਮੰਮੀ ਕਾ ਖਾਣੇ ਕਾ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਕਭੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖੇਂਗੇ ਨਾ ਤੂੰ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਏ ਬਾਏ।